नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष लुनिया और आप देख रहे हो ऑल टैलेंट सिविल। दोस्तों, आज आपके लिए प्लान लेकर आया हूं, हाउस प्लान जो कि 16x30 में है। तो दोस्तों, हम देखते हैं, हाउस प्लान का रिव्यू करते हैं। बेडरूम हमारा क्या साइज़ का आ रहा है, हॉल क्या साइज़ का आ रहा है, जो पोर्च एरिया है हमारा वो क्या साइज़ के आ रहे हैं, लेट बाथ कितने आ रहे हैं और हमारा किचन कितना बड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं, हाउस प्लान का रिव्यू कर लेते हैं। हाउस प्लान को हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ हमें मिल रही है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे पोर्च एरिया मिलता है, फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर हमें हॉल मिलता है और हॉल से अटैच यहाँ पर हमारा लेट बाथ है, हॉल से अटैच हमारा किचन है और हॉल से हम होते हुए हमें बेडरूम में एंट्री मिलती है और बेडरूम में भी एक अटैच लेट बाथ है। दोस्तों, अब हम देखते हैं हाउस के अंदर जाकर कि हमें किस प्रकार देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम चलेंगे घर के अंदर। ये रहा हमारा दोस्तों पोर्च एरिया और पोर्च एरिया से हमारा ये एंट्री गेट, एंट्री गेट से हम आ गए इस समय हॉल में। हॉल से दोस्तों यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक लेट बाथ है और दोस्तों यहाँ पे हमारा किचन है। दोस्तों, ये है हमारा किचन। और दोस्तों, ये हमारा बेडरूम, बेडरूम से अटैच हमारा एक लेट बाथ है। दोस्तों, हाउस प्लान का हमने रिव्यू कर लिया है, अब इसकी प्लानिंग देख लेते हैं, हमें कौन सी प्लानिंग हमें यहाँ पे लग रही है। ऐसा प्लान बनाने के लिए यहाँ पे हम प्लिंथ प्लान लेंगे और प्लिंथ प्लान के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमें कौन सा कमरा किस साइज़ में मिल रहा है, हॉल किस साइज़ में मिल रहा है और हमारा पोर्च एरिया किस साइज़ में छूट रहा है, लेट बाथ हमारी क्या साइज़ में मिल रही है। अब दोस्तों, हम सीधे चलते हैं प्लिंथ ड्राइंग के ऊपर। दोस्तों, ये 3D प्लान हमारा केवल आपको समझाने के लिए था और ये दिखाने के लिए था कि हमें हमारा प्लान बनने के बाद कैसा दिखेगा। दोस्तों, इस प्रकार हमारा बनने के बाद हमारा प्लान दिखेगा, जो आप बखूबी देख सकते हैं, क्लियरली आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा कि हमारा प्लान बनने के बाद इस प्रकार दिखाई देगा, जो कि हमारा 16x30 में है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर हर चीज़ का नाप दिया हुआ है अलग अलग। हमारा पोर्च एरिया क्या साइज़ का है, हॉल क्या साइज़ का है, डाइनिंग हॉल और उसके बाद में किचन हमारा क्या साइज़ का है, लेट बाथ क्या साइज़ के हैं दोनों, बेडरूम हमारा किस साइज़ का है। दोस्तों, सभी चीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, जो कि आपका 15 फीट हमारा ऐसे में है और हमारा जो 30 फीट है, 30 फीट हमारी लंबाई हो गई है, 15 फीट चौड़ाई। अब दोस्तों ये जो ड्राइंग है वो प्लिंथ लेवल की ऊपर की ड्राइंग है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो ब्लैक तीर का निशान आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा लोहे का जो गेट होता है बड़ा वाला, वो हमारा आएगा पोर्च एरिया का गेट। अब दोस्तों, यहाँ पे एंट्री गेट की बात कर लेते हैं। एंट्री गेट हमारा इस जगह पर आएगा और दोस्तों यहाँ से हमारी हॉल में एंट्री हो जाएगी। ये रहा हमारा टॉयलेट का गेट और उसके बाद में दोस्तों ये हमारा किचन का गेट यहाँ से दोस्तों, और ये रहा हमारा बेडरूम के लिए एंट्री गेट। दोस्तों, बेडरूम के आने के बाद में हमारा ये बेडरूम हो गया है, उसके बाद में हमारा ये यहाँ पर लेट बाथ का एंट्री गेट। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ड्राइंग आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कंस्ट्रक्शन के साथ साथ होम प्लान की ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली आपको कौन सी साइज की ड्राइंग चाहिए।